10 जुलाई 8 बजे से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। मैं 8 बजे घर में अपने बर्तन धो रही थी, फिर अचानक से मुझे एक डर सा लगने लगा, एक घबराहट, रोने का मन, मतलब कि अजीब ही एक घबराहट। मैं अपने आसपास के लोगों से मुझे घबराहट होने लगी थी जिन्हें मैं जानती थी। फिर उसके बाद मैं बाहर आई, मैंने अपनी मम्मी को जैसे ही मैं बताती मैं बेहोश होकर गिर गई, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता चला कि मुझे कब क्या हुआ। सिर्फ इतना था कि मैं अपने पैर पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैं जब खड़ी होने की कोशिश करी तो मैं बहुत तेज़ से नीचे गिर जा रही थी। मैं कितनी बार खड़ी हुई, मतलब मैं चल नहीं सकती थी, दो आगे एक कदम नहीं रख सकती थी। फिर मेरे को सब उठा रहे थे, सब बोल रहे थे, तो मैं उल्टी सीधी चीज़ें बोल रही थी, बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें बोल रही थी, सिर्फ उल्टा बोल रही थी। मेरे को समझ नहीं था कि मैं बोल क्या रही हूँ। मैं अंदर से मुझे पता है कि मेरी मम्मी और मेरे पापा, लेकिन जब मैं बाहर बोलना चाहती थी मैं सिर्फ उल्टा ही बोल रही हूँ। मैं नहीं बोल पा रही कि हाँ मुझे क्या बोलना है। ऐसा कोई मुझे दबा रहा है, कोई मुझे अंदर अपने अंदर बोलने ही नहीं दे रहा है, ऐसा अजीब सा होने लगा। फिर पापा ने मेरे पापा आए बाहर गए थे, पापा घर पे आए तो सबने बताया कि ऐसे सर है। फिर मेरे पापा ने, हमारे एक गुरु जी है जिनसे हम पहले बात की थी, हमने पहले मेरी हुई थी थोड़े, तो वो ठीक हो गए, उनसे हमने बात की, उनसे पापा ने बोला तो उन्होंने जवाब दे दिया कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर उसके बाद पापा ने खुद ही हमारे घर में जैसे हवन किया, वो जाप करके, तो उसके बाद मेरे को वहाँ बैठाया, बोला, तो उसमें भी मैं उल्टा सीधा बोल रही थी, बहुत ज़्यादा उल्टा बोल रही, भगवान कहीं मैं कुछ बहुत ज़्यादा उल्टा मैंने बोला वहाँ खड़े बैठ के। फिर उसके बाद पापा ने दिया, मैं नॉर्मल हुई, नॉर्मल होने के बाद जब मैं बाहर गई तो मैं बाहर ठीक थी, मैं बाहर बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे को डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, मैं डॉक्टर के पास एकदम नॉर्मल, इतने अच्छे से बोल रही थी, डॉक्टर कह रहे थे तो कुछ है नहीं, अब मतलब मैं उठा के लेके, और मैं घर आते मैं अपने पैर पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो फिर उसके बाद हम जैसे मेरे ऊपर जो चीज़ें आ रही थी वो बोल रही थी मुझे बालाजी लेके चलो, बालाजी हम गए, तो गुरुजी से मतलब कि अनिल अंकल से हम पूछ के बालाजी गए, सारी चीज़ें पूछ, बालाजी जाने के बाद जैसे हम पहाड़ चढ़े तो मैं नॉर्मली चढ़ गई थी, लेकिन आने टाइम मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं पाती बिल्कुल, जैसे मेरे घर पे था। आने टाइम खड़ी हुई, मेरी दीदी मेरे को नीचे तक लाई, जैसे ही हम नीचे उतरे अनिल अंकल का कॉल आया कि गुरुजी वहाँ आए हुए हैं, तो पापा ने बोला चलो जल्दी चलो गुरुजी आए। फिर हम घर पे आए, आश्रम में आए, आश्रम में आने के बाद पापा ने गुरुजी से बात की, मुझे बुलाया, मैं गई, मैंने बताया कि मुझे ऐसे हो रहा है, तो गुरुजी ने मेरे को एक धागा दिया लाल कलर का, मैंने उसे डाला, उसके बाद से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मैं नॉर्मल थी। फिर उसके बाद गुरुजी ने कहा कि 7 जोत लेनी होगी, आप यहाँ बालाजी मेहंदीपुर बालाजी में ले लो, या हमारा धाम है हरियाणा में वहाँ ले लो। तो फिर हम हरियाणा हाथी गए, वहाँ गए तो गुरुजी ने रात को जैसे दरबार लगा, तो गुरुजी ने उसमें हमें बताया कि बंधन कटेंगे और परहेज करने पड़ेंगे। फिर हम गए, हमारे बंधन कटे, परहेज कर लिए, उसके बाद जैसे मैं नॉर्मल हो गया, अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं, अब उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। जो मकान में हम लोग अभी हैं, उस मकान का उद्घाटन था, उस दिन प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मेरी बच्ची को ना बहुत तबीयत ख़राब हो गया, इस जैसे कि चक्कर भी आ रहा था, सही से बोल नहीं पा रहा था, किसी को पहचान नहीं पा रहा था, ठीक है, और डॉक्टर के पास लेके गए, यहाँ सरोज हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टर बोला भाई तेरे पास पैसे जा रहा है तो खर्च कर ले, क्योंकि इसको कोई परेशानी ही नहीं है, कोई मैं क्या दवाई दूँ उसको, हमें समझ में नहीं आ रहा। और तो फिर मैं उदास हो गया, मैंने कहा अब क्या करूँ। फिर घर आए तो बगल में हमारे बंटी भाई साहब हैं, उनसे शेयर किए बात, बंटी भाई साहब ऐसे ऐसे बात है, मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, डॉक्टर कुछ बता ही नहीं रहे क्या करूँ। उन्होंने बोला कि आप बालाजी लेके जाइए इनको, वहीं आपका उद्धार होगा, वहीं कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा आपको। फिर मैं बालाजी एक छोटा गाड़ी बुक किया, पूरे परिवार भाई बंधु सबको लेके गए शांत संग, तो वहाँ गए तो दर्शन हुए बालाजी के, और जब पहाड़ से जब नीचे उतर रहे थे तो इनका फिर दोबारा फोन गया कि गुरु जी महाराज जिस धर्मशाला में आप रुके हैं वहीं हैं, आप उनसे एक बार मिलिए। तो महेश जी से मैं कॉन्टेक्ट किया, महेश जी फिर गुरु जी से मिलवाए मुझे, तो मिलवाने के बाद गुरु जी ने वो धागा बना के दिए, वो धागा पहनाए, उसके बाद वो बच्चे ठीक हो गया, कंट्रोल हो गया नॉर्मल। उसके बाद गुरुजी ने बोले कि आपको धाम पे आना पड़ेगा, आपको हांसी धाम पे, और 7 आरती लेने हैं वहाँ के, और 7 बार लेने हैं, ठीक है, और 7 बार मैं फिर 1 महीने नहीं जा पाया किसी कारणवश, और कोरोना वगैरह का समय था इसलिए नहीं जा पाया था। उसके अगले महीने में पूर्णिमा को वहाँ पहुँचा, उसके बाद से मतलब मेरे कष्ट धीरे धीरे कटने लगे, 3 बार बंधन भी कटे वहाँ पर और 4 बार कटे, 3 बार में थोड़ा सा दिक्कत गुरु जी को कुछ लगा, तो गुरु जी बोले कि 1 बार और कटवा लीजिए बंधन, चौथा बार भी कटवाया, उसके बाद से हम ठीक है, हमारे घर में कोई परेशानी नहीं, सब बढ़िया है, कारोबार भी बढ़िया है, और
बढ़िया जी खा रहा हूँ। लोगों को गुरुजी से इसलिए जुड़ना चाहिए कि वहाँ सही मार्गदर्शन दिखाने वाले व्यक्ति दिनेश जी महंत जी बैठे हुए हैं, उनके पास जाके ज्ञान की प्राप्ति, मतलब सही ज्ञान की प्राप्ति होती है, सही जीने का मतलब समझ में आता है और सनातन धर्म का मतलब शक्ति क्या है वो समझने में आता है कि सनातन धर्म क्या है, वो अच्छे तरीके से समझाते हैं और उसके मतलब गुरुजी के समझाए हुए पे चलें तो आदमी को सारा कष्ट दूर हो जाएगा मेरे हिसाब से।